अब देखो नेटफ्लिक्स की एक नई हिप हॉप पॉलिश फिल्म आई है। नेटफ्लिक्स की एक बात अच्छी है ना, पूरी दुनिया भर की मूवीज को क्लाउड मिल रहा है। जैसे अब पोलैंड की मूवीज काफी छा रही हैं, तो फ्री स्टाइल ये भी एक पोलैंड की एक्शन रोमांस हिप हॉप वाली फिल्म है, जो कि ठीक है। वैसे ऐसी मूवीज में ज्यादा कुछ बात करने के लिए रहता नहीं है, तुम देखो या ना देखो एक ही बात होती है। और देखो मूवी की कहानी एक हार्ड कोर रैपर की, जिसकी जिंदगी में पहले काफी मुसीबत है, लेकिन अब उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है स्टूडियो में एल्बम करने की, गाना गाने की, अपना ड्रीम फुलफिल करने की। लेकिन हाय ये गरीबी मुझे कुछ नहीं देती। सबकी कहानी यही है दोस्त, मेरी भी यही कहानी है, लेकिन मैं नशे नहीं बेचता, ठीक है भाई, पर ये वाला भाई बेचता है। अब एक एल्बम निकालने के लिए पैसा तो चाहिए भाई को, तो भाई एक बहुत ही तगड़ी ड्रग डील करता है, मतलब बहुत ही बड़ी औकात के बाहर। मतलब वो इस ड्रग डील के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल लेता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन नहीं जी, हमको तो एक एल्बम करनी है। वो आगे जाके फंस भी जाता है। भाई तुझे बोला किसने था 30 मार खां बनने को? अब आगे जो भी होगा तुमको मूवी देख के पता चलेगा, लेकिन मैं तुम्हारा टाइम यही पे बिना वेस्ट करे बता दूं कि मत देखना। देखो सबसे पहले एक पॉलिश फिल्म है, इनकी जो कॉमेडी होती है, इनका जो रोमांस होता है, तुम्हारे सर नहीं, रोमांस दुनिया भर में प्यार की सिर्फ एक ही भाषा है, लेकिन जो कॉमेडी होती है जहाँ करनी चाहिए वो हमें कॉमेडी नहीं लगती। एक्शन काफी नीचे है, ठीक है, ऑलराइट, ऐसा कुछ है नहीं है जिससे तुम अपने नाखून चबाओगे। मूवी बहुत ही ज्यादा एवरेज है, इवन बिलो एवरेज मूवी है। एक्टर्स ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बस कहने को एक कास्ट है, वही है जो है, तो एक्टिंग भी ऑब्वियसली बेकार लगी। हाँ बट हिंदी डबिंग मस्त है, ठीक है, हिंदी अच्छी है। बस एक ही बात अच्छी है, 1.5 घंटे का रन टाइम, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करती, तुम जल्दी निपट लोगे इससे। पर टाइम वेस्ट क्यों करते हो यार अपना? सीरियसली अगर मूवी पे और कुछ होता ना बात करने को, मैं जरूर करता, पर कुछ है ही नहीं। मैंने जैसे कि बोला, ये एक बिलो एवरेज मूवी है, कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक थीम नहीं है जिसपे बात करी जाए, कोई मेटाफर्स नहीं है, कोई हिडन मैसेजेस नहीं है, बस एक स्टोरी है जिसको टेल किया गया, स्टोरी टेलिंग। भैया फॉरेन फिल्म से तो रहो, मतलब फॉरेन फिल्म ही अच्छी होती है, अपने इंडिया में कौन सी अच्छी बन रही है? बनती भी है, लेकिन हमारा एटीट्यूड ही ऐसा हो गया कि हम देखते नहीं। लेकिन तुमने मुझे जरूर देखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, हमारी एक्सक्लूसिव वीडियोस देखो जाके। इंस्टाग्राम पे हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया को फॉलो कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, किसी का टाइम बचा लो, ना देखे ये मूवी।